भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कई तरीके की कहानी अक्सर आप सुनते आए होंगे। कई राजनीतिक कहानी आपको तोड़ मरोड़ कर पेश भी की गई होंगी, तो कई राजनीतिक गाथाएं भी नेहरू से जुड़ी हुई आपको सुनाई गई होंगी। पंडित नेहरू के ट्रेन यात्राओं के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। नेहरू की ट्रेन यात्राओं से जुड़े कई किस्से बेहद दिलचस्प भी हैं। इन यात्राओं में उनके सहयोगी रहे मोहम्मद यूनुस ने एक स्मृति के आधार पर किस्से बयां किए। मोहम्मद यूनुस ने पहली बार 1938 में नेहरू के साथ कार में सफर किया था। इसके बाद तो उन्हें नेहरू के साथ यात्रा करने के कई और मौके मिलते गए। यही नहीं बल्कि वह 3 साल तक पंडित नेहरू के साथ उनके ही घर में रहे थे। हालांकि यूनुस उम्र में पंडित नेहरू से काफी छोटे थे। यूनुस 1947 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और 1974 में रिटायर हुए। 2001 में उनका निधन हुआ। जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लिगेसी में मोहम्मद यूनुस ने पंडित नेहरू के साथ यात्राओं से जुड़ा अपना अनुभव और रोचक किस्सा लिखा है। ऐसी ही कुछ कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। यूनुस ने अपनी एक कहानी साझा करते हुए बताया कि रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन जब संपन्न हुआ तो वहां से नेहरू ट्रेन से इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। इलाहाबाद की एक स्टेशन जो पहले पड़ता है प्रयाग, वहां ट्रेन से उतरकर वह कार से आनंद भवन के लिए रवाना हुए। लेकिन इस यात्रा के दौरान उनके चेहरे पर चिंता की अलग ही लकीर झलक रही थी। इस दौरान मोहम्मद यूनुस के साथ नेहरू ने अपनी चिंता साझा की और कहा, सरदार वल्लभ भाई की मुंबई की ट्रेन कई घंटे बाद रवाना होगी, क्यों ना स्टेशन से जाकर तुम उन्हें ले आओ, क्योंकि वह आखिर स्टेशन पर इतनी देर तक क्या करेंगे। इसके बाद यूनुस वल्लभ भाई पटेल को आनंद भवन लेकर आए थे। पहली बार हुआ जब वल्लभ भाई बिना किसी मीटिंग के आनंद भवन आए और उनकी नेहरू से मुलाकात हुई। यूनुस ने आगे लिखा कि नेहरू स्विच का किस्सा। दरअसल एक बार जवाहरलाल नेहरू ट्रेन से इलाहाबाद से कानपुर जा रहे थे। ट्रेन की बोगी में लाइट जल रही थी तो नेहरू सो नहीं पा रहे थे। उस समय इंटर क्लास कंपार्टमेंट में लाइट ऑफ करने के लिए कोई स्विच नहीं हुआ करता था, कारण कि पंडित नेहरू अपने हर यात्रा के दौरान काले रंग का छोटा बैग लेकर चलते थे। इसी बैग से वह लाइट को ढकने का काम भी किया करते थे। हर यात्रा के दौरान ऐसा करते थे, इसलिए धीरे धीरे यह लोगों को पता भी चल गया। एक बार मोहम्मद यूनुस भी ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उन्होंने भी काले बैग से लाइट को ढक दिया। यह देखते ही ट्रेन में साथ में यात्रा करने वाले लोगों ने यूनुस को कहा कि यह नौजवान जरूर नेहरू का साथी ही लगता है, कारण काले बैग को नेहरू स्विच का नाम देना चाहिए, ऐसा लोगों ने कहा। ऐसे ही एक बार नेहरू जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो एक लड़के ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा। इसके लिए उनसे एक नोटबुक उनको दिया। जब काफी देर तक पेन नहीं मिला तो नेहरू ने पूछा कि क्या मैं मुंह से लिखूंगा। यह सुनकर वहां खड़ी भीड़ तेजी से हंसने लगी और नेहरू खुद भी हंस पड़े। एक और रोचक किस्सा सुनाते हैं, यूनुस ने लिखा है। दिसंबर 1941 का है जब बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई। इसके बाद सूरत से पंडित नेहरू को फ्रंटियर मेल में सवार होना था। ट्रेन का समय रात के 2 बजे था। स्टेशन पहुंचने पर नेहरू जी को अचानक ख्याल आया, आज तो 31 दिसंबर है तो नया साल आने वाला है और कुछ होना चाहिए। इसके लिए मोहम्मद यूनुस ने एक चाय वाले को पकड़ा और उससे कहा कि कहीं कोने में ऐसी जगह एक टेबल तैयार करो जहां भीड़ भाड़ ना हो। यह दोनों लोग जब डाइनिंग रूम से निकले तो देखा कि चाय वाले ने एक टॉयलेट के सामने ही टेबल लगा दिया है। हालांकि आसिफ अली साहब को यह खराब लगा, पर मोहम्मद यूनुस ने मिर्जा गालिब का हवाला देकर उन्हें समझाया और बताया कि देश प्रेमियों के लिए मैखाने की इस नई जगह पर ऐतराज नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आपको नेहरू का यह किस्सा कैसा लगा उसे कमेंट करें और वन इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करें।